एससी एसटी के आर्थिक कमजोर छात्रों के लिए मददगार बनी गहलोत सरकार। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 8,500 छात्रों को फ्री कोचिंग शुरू। सरकार ने की थी 10,000 छात्रों को फ्री कोचिंग देने की घोषणा। मुस्लिम नेता तौकीर रजा ने कांग्रेस से मिलाया हाथ। बीजेपी बोली, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले कांग्रेस के प्रिय तौकीर ने हिंदुस्तान का नक्शा तक बदल देने की दी थी धमकी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले सबसे ज्यादा बीजेपी में दागी। डरी ही सरकार ही एजेंसियों का सहारा लेती है, खत्म हो रहे हैं रोजगार। यूपी चुनाव में अकेले चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी को ना कांग्रेस और ना ही सपा का मिला साथ। चंद्रशेखर बोले, कांग्रेस से गठबंधन के रास्ते खुले, सपा ने किया हमारे साथ छल। पंजाब में भगवंत मान को आपकी चुनावी कमान, मान को बनाया आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार। केजरीवाल ने किया ऐलान, बोले 93% भगवंत मान के पक्ष में किया गया वोट। पंजाब में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, रिश्तेदार पर पड़े ईडी के छापे से भड़के सीएम चन्नी, बोले मुझे किया जा रहा है टारगेट। बंगाल चुनाव में भी यही हुआ था, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं। भीलवाड़ा तहसीलदार के ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई, तहसीलदार एक दलाल समेत तीन गिरफ्तार। 3,00,000 की आरोपी ने मांगी थी रिश्वत, दलाल और तहसीलदार के घर से मिली लाखों की रकम। बाड़मेर में बदमाशों का आतंक, पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से बंदूक की नोक पर लूटने की कोशिश, सेल्समैन को मारी गोली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। कोरोना से चरमराई हवाई सेवाएं, जयपुर एयरपोर्ट की दोपहर बाद की 17 फ्लाइट्स रद्द। कम यात्री भार को बताया वजह, लेकिन टिकट करा चुके यात्री हुए परेशान। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर, माउंट आबू सहित कई इलाकों में जमी बर्फ, कई जिलों में घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को हुई भारी परेशानी।